अब गाइस आज के गेम प्ले के बारे में मैं आपको मतलब क्या ही बताऊँ ना, मुझे बिल्कुल खुद भी नहीं पता, क्योंकि बोल ये गेम स्टार्टिंग से लेके रहा हूँ लास्ट में चैट तो में इतना मत ज़्यादा इंटेंस हो आगे जाता है से कि लास्ट पैसे में ले वन लो, वी थ्री आगे का जो चल के सिचुएशन ले। बचता है उस सिचुएशन से मैं कैसे अपने आप को निकालता हूँ वो तो तुम्हें आगे देखने को मिलेगा। बट उससे पहले यहाँ पे हमारी लैंडिंग हो चुकी थी असनाया में। बहुत ही घुमा चला यार, तारी कर इस बंदे को नॉक गए। करते मैं नीचे कूद चुका था, मुझे पता था कि वो बंदा उस रूम से बाहर जरूर आया होगा रिवाइव करने के लिए। और अब यहाँ पे मैंने इसके दो बंदे नॉक कर रखे थे और एक बंदे को ऑलरेडी फिनिश कर दिया था, बट यहाँ पे इस टीम का कोई और लास्ट बंदा नहीं होता है, इसलिए मैं फटाफट से इनको फिनिश करके यहाँ से निकल जाता हूँ आगे की फाइट लेने के लिए। बट वेट, उससे पहले मैं इधर लूट वगैरह कर रहा था क्योंकि लूट की तो बहुत ही ज़्यादा कमी थी, और स्पेशली मैं ढूंढ रहा था यहाँ पे अपने लास्ट वाले किल को क्योंकि लास्ट वाला किल मुझे अभी तक नहीं मिला था। बट उससे पहले गन वन स्विच कर लेता और तभी वो बंदा भी दिख जाता है। इसको फिनिश करने के बाद जैसे मैं आगे जाता हूँ तभी यहाँ पे सामने वाली बिल्डिंग में आ चुके थे कुछ बंदे, और अब ये नेट देखो तुम, अब ये वही बंदा था जिसको कि मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मारा था, जस्ट इससे पहले वाले क्लच में मारा था। बट चुका था, बट इस मैच में ना मैं पता नहीं बट कैसे अभी जो मेरे साथ होने वाला है ना वो तो बिल्कुल मैंने सोचा ही नहीं था। यहां पर मैं एक और नेट करने के लिए बाहर जाता हूं, बट अभी जैसे मैं आगे के साइड जाता हूँ तभी मुझे फुटस्टेप आता है कि पीछे के साइड जो कि नीचे एक बंदा जो कि है आ चुका है अपने टीममेट को रेव करने के लिए। अब यहाँ पे मैं शायद से इसलिए मर जाता हूँ क्योंकि मेरा एक क्राउच जो कि है मुझे यहाँ पे मरवा जाता है, बट कोई नहीं, यहाँ पे मेरा रिकॉल रहता है, मैं रिकॉल होके फिर से अपनी एंट्री मारता हूँ यसनाया में। और अब देखो सबसे पहले तो मैं प्रॉपर साउंड सुनता हूँ बट ये नेट मिस ना हो जाए इसीलिए मैं वेट करता हूँ, और अब जो कि बंदा दिख चुका है तो अब डायरेक्ट नेट जाएगा उसके मुंह पे। इस बंदे का नॉक होते ही यहाँ पे मुझसे गलती हो जाती है, अगर मैं मौली या नेट उसी टाइम पे उधर ही कर देता तो ये बंदा जरूर मर जाता, बट वो बंदे वहां से आगे की साइड निकल चुके थे इसीलिए मैं भी प्लान बनाता हूँ रस करने का। अब इनको मारने के बाद हमें लग रहा था कि सारे बंदे मर चुके हैं, लेकिन तभी इस बंदे को मारते यहाँ के सारे बंदे मर जाते हैं। बट अभी जो मेरी फाइट थी वो तो आनी बाकी थी क्योंकि सामने के साइड भी बहुत ही ज़्यादा बंदे बचे हुए थे। अब मैं जंप एंड पंच करता हुआ उछलता कूदता बंदरों की तरह आ चुका था इधर, क्योंकि मेरे सामने वाले बिल्डिंग में वो स्क्वाड है। अरे टीममेट का कवर देखो, अब मेरा टीममेट पीछे से मुझे कवर दे रहा था या मेरे किल चुरा रहा था ये तो मुझे नहीं पता, बट इन्होंने काफ़ी अच्छा कवर दिया, और इतने में ही मेरे टीममेट ऊपर नेड और मॉली भर के सारे ही बंदों को ख़त्म कर देते हैं।
और यहाँ के तो सारे बंदे मर चुके थे, बट अभी जो मेन बिल्डिंग है रिकॉल की साइड, उधर अभी कुछ स्क्वाड की फाइट हो रही है। अब हम उस फाइट में जैसे इंगेज होते हैं तभी देखो वहाँ पे क्या सीन होता है। यहाँ पर मैं आगे के साइड एक बंदे को नॉक कर चुका था और एक बंदे का किल चुरा लेता हूँ, लेकिन तभी ये बंदा भी लेटा हुआ दिखता है, इससे भी मैं नॉक कर देता हूँ। और जस्ट इसको फिनिश करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन मेरा फोकस अभी कहीं ना कहीं पीछे भी था, क्योंकि पीछे की साइड कुछ बंदे थे यहाँ पे अभी। इसको फिनिश करने के बाद मैं थोड़ी बहुत लूट वगैरह कर लेता हूँ, बट अब यहाँ पर जो चीज़ मेरे साथ होने वाला है ना, बस वो तुम देखो कि वो क्या था। मैं यहाँ से आगे जाके पूछे पता था कि ऊपर की साइड बंदे हैं, मैं ये नेड कुक करता हूँ, परफेक्ट नेड में डालता हूँ, बट अब बस तुम ये देखो। अब यहाँ पे मेरा सर्वर ही जा चुका था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, बस मैं यहाँ पे अटका हुआ था। और जब मेरा सर्वर आता है, मैं ऊपर दो बंदों को नॉक कर चुका था, इसीलिए मैं फिर से ऊपर जाता हूँ, लेकिन मेरा सर्वर एक बार फिर से जा चुका था। बट जैसे ही मेरा इंटरनेट आता है तभी देखो मैं क्या कवर देता हूँ अपने टीममेट को। अब अगर यहाँ पे मेरा सर्वर आने में थोड़ी सी भी और देर होती तो मेरे टीममेट की पेटी बनना तो यहाँ पे तय था। बट अब इधर सब कुछ क्लियर करने के बाद हम निकल जाते हैं आगे की साइड, और जस्ट हमारे सामने यहाँ पे एक गाड़ी रुकी हुई थी, और ये वही बंदे थे जो स्नाइपर खेल रहे थे। इसको नॉक करते ही मैं इसके ऊपर रस कर देता हूँ, बट अभी जस्ट तुम अगर कोई इस लैंग्वेज को जानता है ना तो बताना कि ये बंदा यहाँ पे क्या बोल रहा था। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बंदा अपने टीममेट को मेरी पोजीशन बता रहा था कि तुम इसे मारो, क्योंकि वो बंदा गलत ही लेवल का लेटा हुआ था। बट यहाँ पे इनको मारने के बाद मेरा टारगेट था 20+ किल्स करने का, और वो देखो हो पाता है कि नहीं हो पाता है। जैसे मैं इधर आता हूँ कि तभी सामने बंदा, इस बंदे को तो हमने मार दिया था, बट जैसे गाड़ी लेके निकलता है तभी सामने कुछ और बंदे स्पॉट हो जाते हैं। अब यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि नीचे पूरे के पूरे तीन बंदे हैं। अब वो मेरे टीममेट को नॉक एंड फिनिश डाल देते हैं, बट अब मेरी बारी है। अब इस टीम का जो कि लास्ट बंदा था वो सामने वाले पेड़ पे था, ये बात मुझे पता थी, बट पता नहीं ये नेट कैसे, इस नेट से जस्ट नॉक वाला बंदा फिनिश होता है, बट ये दूसरा वाला नेट तो बहुत ही ज्यादा आगे चला जाता है। बट फाइनली अब इस नेट से देखो क्या होता है। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ जल्द वापस, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।